भोपाल में ओबीसी महासभा नाम के संगठन ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की और ये लोग पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं मिलने के विरोध में सड़कों पर उतरे। लेकिन पुलिस ने ओबीसी महासभा से जुड़े इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए वहां हालात तनावपूर्ण हो गए। लिहाजा हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, मगर पुलिस की सख्ती के आगे इनकी एक नहीं चली और प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां मौजूद बसों में बिठाया जाने लगा। जो लोग नहीं माने उन्हें पुलिस वाले टांग कर ले गए। हिरासत में लिए जाने के बाद भी इन लोगों ने प्रदर्शन बंद नहीं किया और कुछ लोग बस की खिड़कियों से लटककर नारेबाजी करने लगे। हमारी मांगे हैं पंचायत राज चुनाव में आरक्षण बहाल करो। इस संगठन ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई, तो वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे ताकि पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिलाया जा सके। लेकिन कुछ रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि इस समुदाय को पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा और ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित सीटें जनरल कैटेगरी में ही मानी जाएंगी। लेकिन मौके की ताक में बैठी कांग्रेस ने भोपाल में ओबीसी महासभा पर हुई इस कार्रवाई के बहाने राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया और एक ट्वीट कर शिवराज सरकार को ओबीसी विरोधी बता दिया। विपक्ष के हमले तेज हुए तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह सरकार के बचाव में सामने आए और ये बताया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिले, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक पावर प्लांट के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब पुलिस समझाने पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। ये बताया गया कि ये लोग पक्की नौकरी की मांग के लिए कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। जो पुलिस को देखते ही ऐसा भड़के मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया हो। लोगों ने आव देखा न ताव, जो कुछ हाथ लगा उसी से पुलिस पर हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने वहां मौजूद बसों पर लाठियां चलाई तो किसी ने आगजनी कर दी। जब पुलिस ने भीड़ को संभालने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले फैक्ट्री के अंदर घुसते हुए दिखाई दिए। कुछ जवान वहां मौजूद एक कमरे में अपनी जान बचाने के लिए घुसे तो उन लोगों ने डंडों से उसकी खिड़की के शीशे को चकनाचूर कर दिया। चाहे आज सीएम साहब को आना पड़े, चाहे पीएम साहब को आना पड़े, हम हटने वाले नहीं हैं। इस हंगामे की वजह से वहां और पुलिस बुलाने की नौबत आ गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की धार से वार किया गया। इन लोगों ने अचानक पत्थरबाजी चालू कर दी और जिससे वहां पे स्थिति थोड़ी खराब हुई थी। जिले के कलेक्टर ने दावा किया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ने पर उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिसकी आधारशिला पीएम ने रिमोट का बटन दबाकर रखी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होते ही कार्यक्रम में आए लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद वहां एक वीडियो चलाया गया जिसके जरिए इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से राज्य के खिलाड़ियों को होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। साथ ही खिलाड़ियों के कौशल को निखारने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री मेरठ पहुंचे तो उनका सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने जोरदार स्वागत किया तो पीएम ने भी कार के अंदर से ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही पर जा रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने वहां लगाई गई एक प्रदर्शनी देखी। इस दौरान वहां मौजूद एक अधिकारी ने मेरठ में बनने वाले खेल से जुड़े उत्पादों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी, जबकि इस प्रदर्शनी के एक स्टॉल पर उन्होंने एक मशीन की मदद से कसरत भी की। दुर्लभ तस्वीर आप देख रहे हैं,
फिट इंडिया की मिसाल। इसके बाद उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मॉडल देखा और उसके बारे में अधिकारी से बात की। इस शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य के कई जिलों से खिलाड़ियों को भी बुलाया गया जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। जितने भी हमारे खेल के जो प्रतिभागी हैं यहाँ के अपनी प्रतिभा का और अपने भविष्य का इतिहास रच के जाएंगे। 700 करोड़ की लागत से बनने वाली इस यूनिवर्सिटी में 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। तो वहीं प्रधानमंत्री